हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज डेट है 4 जनवरी और टाइम हो चुका है अभी 3:10। सो यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पर मूव देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं टोटल मूव मार्केट का, तो आज हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर 700 प्लस पॉइंट का यहाँ पर हमें मार्केट ने आज मूव दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी ने एक प्रोजेक्शन क्रिएट करते हुए मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आया है। यहाँ पर लोअर हाई का देखें क्रिएशन करते हुए मार्केट यहाँ पर एक प्राइस एक्शन क्रिएट करते हुए आया। ठीक है, सो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने इसमें सीखा है ट्रेडिंग में कि गिरती हुई मार्केट में कभी भी बाइंग नहीं करनी चाहिए, वो भी पहले रिकवरी पर। ठीक है, ये इसका पहला रिकवरी था, यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था। अगर यहाँ पर किसी ने अपसाइड का ट्रेड लिया, उन्होंने गलती की है, उनको ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए था। ठीक है, इसके ऊपर वो अगर ट्रेड करते तब बाइंग करते तब उनके लिए अच्छा था। ठीक है, ये कोई बाइंग की एरिया नहीं है, बाइंग की एरिया ये वाली है। इसके ऊपर अगर मार्केट आता देन डेफिनेटली एक बार यहाँ तक आपको प्रॉफिट दे के जाता। लेकिन अगर यहाँ पर आपने इसको देखते हुए बाइंग की है तब बिल्कुल भी गलत यहाँ पर तरीका था बाइंग करने का, यहाँ पर बाइंग नहीं बनती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कोई ट्रेड इसमें नहीं लिया, सिर्फ सेलिंग वाला ट्रेड हमने लिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेलीग्राम ओपन करता हूँ। टेलीग्राम पर यहाँ पर देखेंगे, मैंने मॉर्निंग से यहाँ पर मैं आ जाता हूँ आज के दिन का। तो आज के दिन देखिए यहाँ पर 9:48 पर मैंने बोल दिया था कि आज आपको वन डायरेक्शनली मूव मिल सकता है, लेकिन मतलब वन डायरेक्शन मूव आएगा लेकिन आ जाएगा कल आएगा ये कन्फर्म नहीं। ठीक है, तो वो वन डायरेक्शन मूव आज ही हमें मिल गया है। सो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने एक लेवल दिया था मॉर्निंग में 43181 का। सो 43181 मैंने लिखा था, अगर ब्रेक होगा तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है अराउंड 100 पॉइंट फिर भी। ठीक है, तो 43 कितना था, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, भूल गए। ओके, ये लेवल था आपका 43181 का, मतलब 80 के आसपास। ठीक है, 43180 वाला लेवल देखते हैं कहाँ पर है आपका, ये वाला लेवल। ठीक है, तो ये वाला लेवल मैंने दिया था, अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम हमें डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। एंड देन देखिए यहाँ पर हमें 100 पॉइंट का यहाँ पर मार्केट ने मोमेंटम दे दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर देखेंगे पोस्ट किया था एक ट्रेड और। ठीक है, एक ट्रेड हो गया कंप्लीट, एक ट्रेड मैंने और यहाँ पर दिया था। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, वन मिनट दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था ये वाला। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर आके अराउंड 43,100 के आसपास आके मार्केट एक बार थोड़ा सा यहाँ पर सस्टेन हो जाए एंड देन ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे सेम वही हुआ जो मैंने यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर देखिए मार्केट आया, आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन हुआ एंड देन मार्केट यहाँ पर हमें एक अच्छा मूव देखे गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखेंगे काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पर भी कैच हुआ है, अराउंड 200 पॉइंट का यहाँ पर हमें यहाँ पर भी मोमेंटम देखने को मिला। ओके, सो इस तरह की आज हम लोगों ने ट्रेडिंग की और बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर कमाया। आप देखेंगे टोटल 300 पॉइंट करीब यहाँ पर हम लोगों ने आज यहाँ पर कैच किया है। ठीक है, 100-200 पॉइंट का इसमें आप मान लीजिए और 100 पॉइंट प्लस इसमें ले लीजिए। और जो सही सही ट्रेड आज के दिन का बनता था मार्केट में, ठीक है, जिनका व्यू डाउन साइड का था, डेफिनेटली उन लोगों ने जो यहाँ पर ट्रेड लिया है यहाँ पर लिया होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्यों लिया होगा, यहाँ पर इसलिए ट्रेड लेना था क्योंकि देखिए शुरू में मार्केट यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला। देन यहाँ पर इसका मतलब क्या, यहाँ पर बायर बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, यहाँ पर बायर काफ़ी अच्छे खासे थे लेकिन वो बायर जो थे वो सेलर से वीक थे। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर 2 कैंडल बना के इतना ऊपर गया, मार्केट एक ही कैंडल में पूरा का पूरा रिकवरी कर दिया। यहाँ पर एक हिसाब से देखेंगे ये आपका बेयरिश इनगल्फिंग क्रिएट हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 120 पॉइंट का हमें यहाँ पर अपसाइड का मूव मिला एक ही कैंडल में। एंड देन यहाँ पर देखेंगे 160 पॉइंट, ठीक है, 160 पॉइंट का यहाँ पर हमें देखने को मिला डाउन साइड का। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर अच्छे खासे सेलर बैठे थे। ठीक है, सेलर की ताकत ज़्यादा थी यहाँ पर। हम लोग को यहाँ पर ट्रेड कहाँ पर प्लेस करना चाहिए था, यहीं पर ट्रेड ले लेना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड नहीं थी, यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर हमारा एंट्री बनती थी और इसके ऊपर हमारा एसएल बनता था। एंड देन हमारा जो टारगेट यहाँ पर रहता, प्रीवियस सपोर्ट रहता, पहला ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ट्रेड होना चाहिए था, सेकेंड ट्रेड यहाँ पर ये वाला हमारा सपोर्ट क्रिएट हुआ, सॉरी यहाँ पर देखेंगे ये सपोर्ट हमारा यहाँ पर था। ठीक है, इसको ब्रेक किया, देन यहाँ पर जब मैंने ये वाला बोला था कि यहाँ पर एक बार थोड़ा सा सस्टेन हो जाए देन यहाँ पर फिर से हमें ट्रेड लेना चाहिए, सेकेंड ट्रेड हमारा यहाँ पर बनता था। ठीक है, दो ट्रेड
अब यहाँ पर देखें, ये दो ट्रेड कंप्लीट हो चुका हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये वाला ट्रेड नहीं लिया था, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ठीक है। तो टोटल मैंने यहाँ पर दो ट्रेड यहाँ पर हमारा हो चुका था कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा एक सपोर्ट नीचे निकल के आ रहा है ये वाला, तो 155 पॉइंट ये वाला कैच हो चुका है। देन यहाँ पर इसका SL बहुत छोटा सा इसका भी था, एंड देन यहाँ पर भी एक ट्रेड किया जा सकता था, क्योंकि ये हमेशा मैंने ये वाली स्ट्रेटजी एक बताई है कि इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पर, सॉरी YouTube पर जाएंगे, वहाँ पर एक आप सर्च करेंगे पावरफुल स्ट्रेटजी, तो आपको ये वाली स्ट्रेटजी मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पर ये वाला ट्रेड उससे मिल सकता था, ठीक है। ये वाला ट्रेड उस स्ट्रेटजी से मिल सकता था। तो यहाँ पर टोटल तीन ट्रेड बनते थे, जो कि हम लोगों ने तीन ट्रेड तो लिए हैं टोटल, बट यहाँ पर क्या किया, ये वाला ट्रेड ना लेके मैंने जो यहाँ पर टेलीग्राम पर दिया, एक ट्रेड यहाँ पर दिया है और आई थिंक दूसरा ट्रेड यहाँ पर दिया, ठीक है। दो ही ट्रेड दिया है, दो ट्रेड यहाँ पर मैंने दिया है, तो तीसरा ट्रेड ये वाला नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन आज हम लोगों ने कैच किया टोटल 300 पॉइंट करीब यहाँ पर, और अच्छा खासा हम लोगों ने प्रॉफिट किया यहाँ पर। तो आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया गया। देखिए, ट्रेड इसलिए भी लिया गया, यहाँ पर फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाला मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि यहाँ पर सेलिंग साइड हो चुका था मार्केट, क्योंकि यहाँ पर ये इतना ज़्यादा बायर यहाँ पर थे, लेकिन वो लोग चाहते थे यहाँ से मार्केट ऊपर ले जा सकते थे, लेकिन कमज़ोर पड़ गए, देन यहाँ पर सेलर हावी हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट में हमें सेलिंग साइड ट्रेड क्यों लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा ये था सपोर्ट, देन सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे यहाँ पर प्राइस सस्टेन हो गया, सस्टेन होने के बाद एक बार फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन आया, देन डेफिनेटली यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। जिन लोगों को एंट्री यहाँ पर नहीं हो पाई थी, यहाँ पर डेफिनेटली एंट्री करनी चाहिए थे, क्योंकि मार्केट लोअर लो का क्रिएशन करने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट सस्टेन हुआ, एंड जैसे ये निकलता काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलता है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। और यहाँ पर भी देखें, फिर से मार्केट ने वही रेंज क्रिएट किया डाउन साइड का, मतलब लोअर लो में आने के बाद यहाँ पर रेंज क्रिएट करा, देन यहाँ पर फिर से एक बार सेलिंग साइड का हमें जाना चाहिए था। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर मोमेंटम कैच किया फैन, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे ट्रेड मिलते रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन, और सीखने को भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिलता रहता है। यहाँ पर मैं लिख लिख के भी पोस्ट करता हूँ, और यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मैं अच्छे से शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये सारे लेबल मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर पहले ही दे दिया था, मॉर्निंग मैंने बता दिया था कि आज बिग मूव आएगा। तो बिग मूव क्यों आएगा, मैंने ये चीज़ कहाँ से मैंने देखा था, ठीक है। यहाँ पर मुझे इस तरीके से पता चला था, क्योंकि देखिए कल तीन दिन से मार्केट देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद फेल हो जा रहा है, ठीक है। तीन दिन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया। देन ये कब होता है, जब मार्केट को बड़ा मूव करना होता है, ठीक है। बड़ा मूव करना होता है, मार्केट सबका पहले एसेलेट कराता है, सबको मतलब सबको पहले बाहर निकालता है मार्केट से, ताकि अगर अगली बार ब्रेकआउट हो तो कोई ट्रेड ना ले, ठीक है। अगर कोई एक भी ब्रेकआउट होगा तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि लोगों को देखना है तीन दिन से ब्रेकआउट पे लॉस हो रहा है, ब्रेकआउट पे लॉस हो रहा है, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ये काम किया जाता है, जो बड़े ऑपरेटर होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। तो ये लोग वो लोग चाहते नहीं कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर पैसा कमाए, तो वो लोग ऐसा काम करते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा मूव देते हैं। तो वही मैंने मुझे पता चल गया था मॉर्निंग में कि आप आज वन डायरेक्शनली मूव हो सकता है आज या कल में, तो वो दिन आज ही था, ठीक है। तो इस तरीके से आज के दिन का ट्रेडिंग हुई फ्रेंड, और आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आएगा क्यों मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर, और किस तरीके से हम लोगों ने प्रॉफिट किया। टोटल 300 पॉइंट कैच किया हम लोगों ने, ठीक है। सो जितना भी ट्रेड मैंने दिया था टेलीग्राम पर, सारे के सारे प्रॉफिटेबल थे। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आएगा होगा कि ट्रेड क्यों लिया गया था, एंड आज के ट्रेड का लॉजिक क्या था, साइकोलॉजी क्या थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी फ्रेंड, और आप लोगों ने कितना प्रॉफिट किया, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा सीखने को। ओके, थैंक यू फ्रेंड, मिलता है नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।